नमस्कार दोस्तों ये डिक्टेशन अस्सी शब्द प्रति मिनट का होगा जो कि चार सौ शब्दों का रहेगा पाँच मिनट तक बोला जाएगा दस सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा स्टार्ट महोदय उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था तब अंग्रेजी राज्य था आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ जैसा अभी कहा गया आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली हैं मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे सभी आयुर्विज्ञान कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे उस संस्था के विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं जहां जितनी अधिक सुविधा होगी उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं आजकल यह है एक आश्चर्य की बात है पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में पिछले जो दो युद्ध हुए उनमें जहाँ एक और अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए वहाँ दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे वे अब नियंत्रण में आ गए हैं इससे फल यह निकलता है कि विज्ञान की प्रगति में कोई दोष नहीं इस प्रगति से जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह है उस विद्या से लाभ उठाए या उसे हानिकारक बनाए। यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहाँ एक और इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है वहाँ उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकट में हो गया है हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक चाहे वे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हों इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए न कि विनाश तभी भावी प्रगति होगी स्टॉप